बरेली आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए और योजना को निरस्त करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। मांग की कि भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश की जनता आक्रोश में है। मात्र 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती वास्तव में सैन्य भर्ती न होकर एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर होकर रह जाएगी, क्योंकि 4 साल तक सेना में रहने के बाद युवा या तो किसी प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करेगा या बेरोजगार की मार से आत्महत्या करने को मजबूर होगा। सेना भर्ती की तैयारी के लिए बहुत से सैनिक 4 साल तैयारी करने में लगा देती हैं। ऐसे में लगता है जैसे सरकार ने यह कदम जानबूझकर देश के युवाओं के भविष्य को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने के लिए उठाया है। सरकार जानबूझकर इन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। इस वजह से सभी देशभक्तों की भावनाओं को चोट पहुंची है। हमारी सेना भारत की शान है, जो भारत के हर व्यक्ति के लिए गर्व है। ऐसे में सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सेना के साथ खिलवाड़ करना पूरी तरह से देश के खिलाफ काम करना है। 4 वर्ष सरकार का यह तर्क भारतीय सेना और सैनिकों दोनों के साथ विश्वासघात करता है। इस 4 वर्ष की अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी आज ज्ञापन दे रही है और उसमें जो है मैं पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी की अपनी विधानसभा की प्रभारी हूँ। तो ये जो अग्निपथ योजना सरकार ने बनाई है, ऐसा लग रहा है कि सरकार देश के युवाओं के साथ मजाक मजाक खेल रही है, क्योंकि 4 साल के लिए भर्ती करना, फिर 4 साल बाद उनको रिटायरमेंट का लेटर थमा देना, शायद विश्व में ये अपने आप में एक पहली सरकार द्वारा लाया हुआ कानून है। पूरे विश्व को के देशों को उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी इस तरह से कोई योजना नहीं बनाई जाती। क्या देश की सुरक्षा के लिए एक सैनिक को तैयार किया जाता है सिर्फ 4 साल के लिए? एक उसके बाद फिर आइए दूसरे लोग आए, वो 4 साल इंजॉय करें, सेना में काम करें, मतलब जैसे कि सेना ना हो गई, एक एंजॉयमेंट का प्लेटफॉर्म सरकार तैयार कर रही है कि आइए 4 साल काम करिए, फिर आप दूसरे आइए 4 साल काम करिए। तो ये देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र राणा है, मैं आम आदमी पार्टी के जिला बरेली के जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो भारत सरकार की एक नई नीति आई है अग्निवीर योजना, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और इसे वापस लेने की मांग करती है। आज हम सभी पूरे प्रदेश में हर जिला कार्यालय पर ये ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे आज बरेली में हम हुए हैं, ऐसे सभी जनपदों में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये ना ही युवाओं के हित में है, ना ही योजना देश हित में है। देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा आगे खतरा मंडराने वाला है। युवाओं की शिक्षा के साथ वो इस लालच में आकर के 17.5 साल 18 साल में सेना में जाने की ललक में हो जाएंगे और उनका फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। वो 24 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे, ना ही वो यही पढ़ाई की समय होता है, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने का समय होता है, वो भटक करके और इंटरमीडिएट करके सेना में चले जाएंगे और उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार की नीति है कि इन लोगों को उलझा करके केवल इनके लिए आगे सुरक्षा जो हमें देनी है कुछ चंद लोगों की इंडस्ट्रियों के लिए और उनके लिए, तो ये सिर्फ सुरक्षा गार्ड तैयार किए जा रहे हैं, ना कि सेना। सेना की बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी अगर ये नीति आगे चालू रही तो। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि इसको तुरंत वापस किया जाए। सेना की जिस तरीके से भर्तियां चल रही थी, जो भी कार्यक्रम सेना के होते हैं, जिस क्रम में सेना की नौकरी चलती है उसी क्रम में चले और आगे भी चलती रहे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।